टैक्स, जिसे लगभग सभी परेशान रहते हैं, मगर ये एक ऐसी चीज है जिसे भरना ही पड़ता है। आप अपनी जीवन ठीक से जी रहे होते हैं तभी सरकार एक नए तरीके का सेस ले आती है जिसे आप भी खींच जाते होंगे, लेकिन आप खुद को किस्मत वाला समझिए जनाब, क्योंकि आप पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं। उस जमाने में इतनी अजीब और गरीब चीज़ों पर टैक्स देना पड़ता था कि अगर आपको जानकर भी ताज्जुब होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसी लिस्ट में हमारे पास टैक्स की एक सीरीज है। इसमें सबसे पहला जो टैक्स आता है खाना पकाने के तेल पर टैक्स। प्राचीन मिस्र में लोगों को खाना पकाने के तेल पर टैक्स देना पड़ता था। लोग टैक्स वाला तेल ही खरीद सकते थे। टैक्स लेने वाले घर घर जाकर इस बात की तलाशी करते थे कि कोई तेल का दोबारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, या खाना पकाने के लिए किसी दूसरे तेल का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। उसी तरीके से इस लिस्ट में दूसरा जो टैक्स आता है वह मूत्र पर टैक्स। ठीक सुना आपने, टॉयलेट पर टैक्स। प्राचीन रोम में मानव मूत्र की बहुत अधिक कीमत हुआ करती थी, क्योंकि इनमें अमोनिया होता था। इसके चलते तब के लोग इसका इस्तेमाल कपड़ा धोने, दांत साफ करने में किया करते थे। जो लोग पब्लिक टॉयलेट से पेशाब इकट्ठा करते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। इसी लिस्ट में हमारे पास अगला टैक्स है दाढ़ी पर। साल 1705 में रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया। जिन लोगों को दाढ़ी रखनी होती थी वह टैक्स देते थे। उन्हें एक टोकन दिया जाता था। माना जाता है कि राजा का ऐसा करने के पीछे मकसद था कि लोग क्लीन शेव ज्यादा रहें। जैसा उस समय पश्चिमी यूरोप के पुरुष रहते थे, ऐसा आज हो जाए तो आधे लोगों की तो पूरी सेविंग टैक्स देने में ही चली जाएगी। इसी लिस्ट में अगला हमारा टैक्स आता है चीन के लोगों पर टैक्स। यस, 1885 में कनाडा ने एक टैक्स निकाला था जिसका नाम था चाइनीज हेड टैक्स। इस टैक्स में कनाडा में चीनी प्रवासियों के प्रवेश पर कर लगा दिया गया। 1923 में कुछ आबादों के साथ चीनी प्रवासियों पर एकदम ही रोक लगा दी गई। इसी लिस्ट में अगला टैक्स आता है चिमनी पर टैक्स। 1660 में इंग्लैंड ने फायरप्लेस यानी चिमनियों पर टैक्स लगा दिया। टैक्स ना चुकाना पड़े उसकी वजह से लोगों ने अपने घरों के फायरप्लेस को ढकना शुरू कर दिया। याद रखिए कि ये 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड था और तब भीषण ठंड पड़ती थी। 1689 में ये टैक्स हटा लिया गया था। अगला जो आता है वह खिड़की पर टैक्स। इंग्लैंड ने फायरप्लेस के बाद सन 1696 में खिड़की पर टैक्स लगाया। जिन लोगों के घर में ज्यादा खिड़कियां हुआ करती थी उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। जल्दी ही ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से जुड़ गया और 1851 में इस टैक्स को हटा लिया गया। आप पूरे इंग्लैंड में आज भी ऐसे घर देख सकते हैं जिनकी खिड़कियां बंद कर दी गई थी। इसी लिस्ट में अगला आता है स्तन ढकने पर टैक्स। जी बिल्कुल, महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स। 19वीं सदी में केरल के बड़े हिस्से में त्रावणकोर के राजा का शासन था। यहाँ निचली जातियों की महिलाएं अपने स्तन नहीं ढक सकती थी। अगर वे ऐसा करती पाई जाती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। यहीं पर नगेली नाम की महिला थी। जब उसने स्तन ढकने के लिए कर मांगा गया तो नगेली ने अपनी स्तन काट कर उनके सामने रख दिया। खून बहने से उसकी मौत हो गई, मगर ये टैक्स हटा लिया गया। इसी लिस्ट में अगला है सावन पर टैक्स। 1712 में यूरोप की सरकार ने साबुन पर भारी टैक्स लगाया। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि साबुन बनाने वाले भी ब्लैक में साबुन बनाने लगे। अजीब बात तो यह है कि यह अजब टैक्स 141 साल चला। साल 1835 में इस टैक्स को हटाया गया था। इसी लिस्ट में अगला टैक्स है ईंटों पर टैक्स। इंग्लैंड ने काफी ज्यादा अजीब गरीब टैक्स लगाए हैं। साल 1700 के आसपास इंग्लैंड ने ईंटों पर टैक्स लगा दिया। इसे बेचने के लिए ईंट बनाने वालों ने बड़े बड़े ईंट बनाने शुरू कर दिए, जिससे ईंटों की संख्या कम हो गई और उन्हें टैक्स कम देना पड़ता था। जब सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने बड़ी ईंटों पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। साल 1850 में इस टैक्स को हटा लिया गया। इस सारे अजीब टैक्स से ये तो साबित हो गया कि पहले इंग्लैंड सिर्फ दुनिया भर के लोगों को ही नहीं अपने भी नागरिकों को परेशान करके रखती थी। तो ये थे सबसे अलग अलग तरीके के टैक्स। आपको सबसे बेकार टैक्स कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।